यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग के पास जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है सेम वैसा आता है विथ सम कंडीशन जो हम इसमें देखेंगे। ओके तो एक और चीज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पहले एक प्रोबेबिलिटी का हम लोग कुछ फंक्शन डिफाइन करेंगे। प्रोबेबिलिटी एज अ, इसको कैसे डिनोट करते थे हम लोग, पी ऑफ एनी इवेंट, P of E, एक कोई भी इवेंट बोलते थे। हमारे पास सैंपल स्पेस था, E क्या है उसका सबसेट है, कोई एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है, E उसका सबसेट है, तो हम लोग P of E प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट अकर्स, एक इवेंट E का अकर होने की प्रोबेबिलिटी को P of E बोलते थे। तो यहां से हमने एक और एक चीज देखी थी कि P of E ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वन होता है, लेस देन और इक्वल टू वन होता है, और इसकी जो ये 0 to 1 के बीच में रहता है। मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1, मैक्सिमम इज ये 1 तक ही जाएगा। और आप अगर देखोगे कि आपका अगर सैंपल स्पेस, अगर आप सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, अगर पी ऑफ एस, अगर आपने पूरा सैंपल स्पेस ही ले लिया है अंदर में इवेंट में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी 1। ओके अगर आपने सैंपल स्पेस को ही पूरा ले लिया है उसका, उस इवेंट को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। ये छोटी सी चीज बतानी थी, ये फर्स्ट पॉइंट, और ये जो प्रोबेबिलिटी है वो लाई करता है 0 to 1, और जब अगर सैंपल स्पेस की आप प्रोबेबिलिटी ले लोगे तो वो टोटल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके अब हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आते हैं। सो हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक वही डाइस का ही एग्जांपल देखते हैं कि डाइस में हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होता है। लेट अस टेक रोलिंग अ डाइस, उसका सैंपल स्पेस लिख रहा हूं मैं, उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना तो आता है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसी भी इवेंट की। एक चीज बताइए कि ये सारे इवेंट क्या है, इक्वली लाइकली है, मतलब सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सबके आने के चांसेस कितने हैं, इक्वल है मतलब कितने हैं, वो कितने हैं हमको ऐसे नहीं पता चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कितना होगा, 1/6, 6 क्यों, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं इसमें, 6, टोटल आउटकम 6 है, हम लोग को फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा, 1 है, तो हम लोग यहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/6, तो इसकी हम लोग लिख लेते हैं 1 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/6। सिमिलरली 2 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो भी 1/6 है, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी, क्यों होगी, क्योंकि सबका चांस आने का क्या है, वो सेम है, इसीलिए हम लोग इनको इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलते हैं। गेटिंग 1 ऑन द फेस ऑफ द डाइस, गेटिंग 2 ऑन द फेस ऑफ द डाइस, वो सब क्या होंगे, सब इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। ओके तो इसकी सारी प्रोबेबिलिटी अपने पास 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6 आ गई। सो यहां से अगर मैं एक इवेंट डिफाइन करता हूं, इवेंट हमने देखा था पहले, इवेंट अगर मैं यहां पे लिखता हूं ए, अगर मेरे पास कोई इवेंट ए है और मैं यहां पे बोल रहा हूं इवेंट ए क्या है, हमने डाइस रोल किया तो हमें क्या मिला, गेटिंग अ नंबर विच इज गेटिंग एन इवन नंबर, यही लिख देता हूं, गेटिंग एन इवन नंबर। अगर मेरे पास यहां पे मैं प्रायोरिटी निकालूंगा गेटिंग एन इवन नंबर का, और मैं उसके लिए इवेंट क्या बोल रहा हूं, ए है, उसको इवेंट दे रहा हूं, इवेंट का नाम है और वो गेटिंग एन इवन नंबर इवेंट है, तो यहां पे हमने डाइस रोल किया, उसके बाद इवेंट कौन कौन से नंबर आ सकते हैं इवेंट, तो यहां पे इसका सेट क्या हो जाएगा, ए का सेट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेट, कौन कौन से इवेंट नंबर है इसमें से, 2, 4, 6 एंड ए इज सबसेट ऑफ एस, ये हमने पहले ही देखा था। अगर मैं एक और इवेंट देखता हूं बी, बी अगर एक इवेंट है, व्हाट इज द बी इवेंट, गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर, सो बी अपना क्या हो जाएगा,
उसका सेट क्या हो जाएगा, बी का। प्राइम नंबर कौन कौन से, 1 to 6 में 2 इज अ प्राइम नंबर एंड 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 1 हमारा नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, तो यहां पे 2, 3 एंड 5 आ गया हमारे पास इस सेट में, ये भी इसी एस का सबसेट है, बी इज अ सबसेट ऑफ एस। सो अब हम लोग देखते हैं कि ए और बी ये हमारे पास दो इवेंट आ चुके हैं। अगर यहां पे हमने और प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली, 1/6 1/6 सबकी इक्वली लाइकली इवेंट है। अगर हम लोग यहां पे दो लोग खड़े हैं, एक मैं और एक आप खड़े हैं, एक मैं खड़ा हूं एक आप खड़े हुए हैं, ठीक है, आपके हाथ में डाइस है, आपके हाथ में डाइस है, ऐसी कोई डाइस होगी, इसमें नंबर होगा, हर साइड में 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, तो 6 फेसेस में 6 नंबर्स लिखे होंगे, तो आप इसको रोल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने रोल किया और उसका कोई नंबर आ गया, आपने डाइस रोल किया और वो कोई नंबर्स आपको शो कर रहा है, क्या मुझे दिख, ये मेरे सामने कुछ ऐसा बैरियर लगा है जिससे मैं देख नहीं पा रहा हूं कि इस डाइस का नंबर क्या है, ओके, ये मेरे पास कोई बैरियर है जिससे मैं देख नहीं पा रहा हूं इस डाइस का नंबर क्या है, और आप देख पा रहे हैं, आप तो देख पा रहे हैं। अगर इसमें कोई नंबर आ गया, मान लेते हैं कोई भी नंबर आ गया, कोई एक्स नंबर आ गया ऊपर में, और आपको ये नंबर पता है, एक्स की वैल्यू आपको पता है क्या है नंबर, इनमें से ही आएगा 1 to 6 में से, और आप बोल रहे हैं कि ये जो नंबर है ये नंबर आपका कोई इवन नंबर है, ये नंबर एक्स, आपने मुझे बताया कि ये नंबर इवन है, तो आपने मुझे क्या बताया कि जो एक्स नंबर आ रहा है वो क्या है, इवन नंबर है, आपने बताया नहीं एग्जैक्टली नंबर क्या है, इवन नंबर है। तो इसमें आपके लिए आने से पहले प्रोबेबिलिटी क्या थी हर नंबर की, 1/6 थी, 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, तो मैं भी क्या सोच रहा हूं कि 6 फेसेस है डाइस के और उसमें 6 नंबर्स है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/6 ही आएगी, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। अभी हमने क्या किया, उसको हमने एक बैरियर लगा दिया, अब मैं देख नहीं पा रहा उस नंबर को क्या आ रहा है, तो और आप बता रहे हैं कि ये जो नंबर आया है वो क्या आपका इवन नंबर आया है, इवन नंबर आया है। अब मैं क्या सोचूंगा, इवन नंबर आया है तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं उस एक्स के लिए, क्या क्या नंबर हो सकता था, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, मेरे लिए ये नंबर क्या होगा, 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, आपको तो पता है एक्चुअली, लेकिन मुझे क्या नहीं पता है, तो मैं क्या कर लिखूंगा, 2, 4, 6 में से कोई भी एक नंबर हो सकता है, तो इस एक्स की 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस एक्स की 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए, 1/3 होगी, होगी कि नहीं होगी, 1/3 2 आने की प्रोबेबिलिटी इस एक्स की क्यों होगी, क्योंकि अभी आप जब इवन नंबर बोल रहे हैं तो अब यहां पे मेरे पास सैंपल स्पेस यहां पे चेंज हो गया, वो 2, 4, 6, जैसे कि अगर हम लोग समझेंगे यहां से, ये यहां पे अब एक इवेंट अकर होने के बाद, कौन सा इवेंट, कि आपका, आपने बोला कि ये ए इवेंट तो अकर हो चुका, कैसे, कैसे इवेंट नंबर आ गया है, इवेंट नंबर आ गया, आपने बोल दिया कि इसमें से इवेंट नंबर आ गया है, सो यहां पे अगर इवेंट नंबर आ गया है तो कौन कौन सा, ये और कहां आ गया, 4 and 6, अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आने की बताइए, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अब आने की, ये तो आपको समझ में आ गया ना, यहां पे दो लोग थे, एक देख पा रहा था और एक नहीं देख पा रहा था, सो यहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 के आने की, अब 0 हो गई, क्यों 0 हो गई, क्योंकि हमने डाइस थ्रो कर दिया है, एक्सपेरिमेंट हो चुका है, अब अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, तो 1/6 1/6 1/6 सबका इक्वल चांस था आने का, लेकिन आप थ्रो कर चुके हैं तो एक नंबर आपको दे चुका है वो, और वो नंबर आपने बोला कि इवन नंबर है, तो ये क्या 0, 1 की तो आने की प्रोबेबिलिटी 0, 2 की आने की प्रोबेबिलिटी वो आगे देखते हैं, 3 की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी 0 होगी, 5 की आने की प्रोबेबिलिटी वो भी आपकी 0 ही होगी। सो अब देखते हैं 2, 4 और 6, ये सब क्या थे, इक्वली लाइकली इवेंट्स थे, तो अब भी ये इक्वली लाइकली इवेंट्स ही होंगे, मतलब कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी या 6 आने की प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी, और वो कितना होगा, और 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 1/3, क्यों लिखा मैंने, 2 आने की प्रोबेबिलिटी अब कितनी है मेरे पास, 1/3, यहां पे 4 में क्या है, 1/3, और ये 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये भी हमारे पास 1/3 है।
यहां से हमें यह समझ में आ गया कि अभी तक एक इवेंट अकर हो चुका है। यह वाला इवेंट क्या है? अकर्ड, अकर्ड मतलब यह इवेंट हम लोग हो चुका। अब यहां पे देखते हैं, एक्सपेरिमेंट तो हो गया और उसमें गेटिंग एक इवेंट नंबर आ रहा है। अब अगर मैं बोलूं ये वाला इवेंट होने के बाद, इसमें डाइस थ्रो होने के बाद, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो बताइए पी ऑफ बी क्या होगा जब आपका एक इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां लिख देता हूं मैं स्टेटमेंट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन व्हेन अ डाइस शोड अप इवन इवन नंबर। इसका क्या मतलब है? व्हेन अ डाइस शोड अप मतलब ये शो कर चुका है कि आपका ये इवन नंबर आ रहा है, उसके बाद आपने हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। एक हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर चुके हैं, हमारा इवेंट भी एक अकर हो चुका है, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो प्राइम नंबर होगा। तो ये कैसे निकालेंगे? हमारा सैंपल स्पेस पहले ये था, अब हमारा सैंपल स्पेस ये हो चुका है, ये 2, 4 एंड 6। जैसे कि ये पहले हमारा सैंपल स्पेस था, ये क्या था हमारा सैंपल स्पेस था, इसमें 1, 2, 3 और 4, 5, 6 ऐसे, ये एक सैंपल स्पेस था पूरा, ये टोटल सैंपल स्पेस था, ये हो गया। अब हमारा इसमें से जो सैंपल स्पेस बन गया वो क्या होगा? ये हमारा एक नया सैंपल स्पेस होगा, ये हमारा नया सैंपल स्पेस है। अब इस सैंपल स्पेस को आप भूल जाइए, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट हो चुका है और हमारे इवन नंबर पता चल गया है, तो यही आपका एक सैंपल स्पेस होगा। इसको बहुत अच्छे से समझना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप समझ गए ना तो आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये यही है मेन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ गए आपको, प्रोबेबिलिटी का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसको बड़े ध्यान समझना है। अगर आपको ये पूरा कंप्लीट कंप्लीट वीडियो देखना है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे यहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हमने क्या किया, पहले सबके प्रोबेबिलिटीज क्या हमें पता है 1/6, उसके बाद हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और हमें यहां से एक इवेंट मिला कि वो इवन नंबर है। इवन नंबर है तो ये ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी तो सब जीरो हो गई, ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? जीरो हो गई, और ये एक इवेंट हमारा अकर हो गया है। तो उससे क्या हुआ कि हमारा इवेंट अकर हो गया तो हमारे पास एक सैंपल स्पेस आ गया। अब इस सैंपल स्पेस में से हमें यह बताना है कि प्राइम नंबर कितना होगा, मतलब कौन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम कैसे बताएंगे, अगर मुझे इसके आंसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये बताइए। सैंपल स्पेस ये है तो प्राइम नंबर क्या क्या होगा? अब हमारा नेक्स्ट सैंपल स्पेस क्या हो गया? S1, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पास? ये सैंपल स्पेस है 2, 4, 6। अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसकी? गेटिंग अ प्राइम नंबर, पी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर को इवेंट हमने क्या बोला था? बी। अब मैं यहां पे निकाल रहा हूं बी, इसी को क्या डिनोट करते हैं हम लोग? पी बी बाय ए। इसका क्या मतलब है कि आपका ए इवेंट अकर हो चुका है, उसके बाद हम बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ए इवेंट आपका अकर हो चुका है, उसके बाद हम लोग बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। सो यहां पे पी ऑफ बी बाय ए क्या आएगा अपना? यहां से क्या आएगा? 2, 4, 6। तो 2, 4, 6 में से आपका ये सबसे प्राइम नंबर कौन सा है? 2, 4, 6 में से आपका प्राइम नंबर कौन सा है? ये 1/1 है, सॉरी ये 2 ही हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। तो 2 हमारा प्राइम नंबर है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम कौन सा हो गया? 2। तो ये फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 2। तो कितना फेवरेबल है हमारे पास? ओनली 1 फेवरेबल आउटकम है, तो यहां पे हमने 1 लिख लिया। सो और हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं? 3। तो यहां पे हमने 3 लिख लिया और हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? गेटिंग अ प्राइम नंबर आफ्टर आफ्टर वी शोड अ इवन नंबर, आफ्टर After occurring an event A, that is getting an event number, ये हमारी probability आ गई। यहां से भी देख सकते हैं कि आपका यहां से
प्राइम नंबर निकालना था हमें, तो ये हमने प्रोबेबिलिटी लिख ली थी। प्राइम नंबर इसमें से कौन कौन सा होगा, इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 5 इज अ प्राइम नंबर। 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 5 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। तो यहां पे हम लोग देखेंगे तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1/3 प्लस 0 प्लस 0, तो वो कितना हो जाएगा आपका 1/3 ही आएगा। ओके, यहां तक क्लियर है। एक और चीज देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, यहां तक क्लियर है ना, ये 1/3 प्लस 0 प्लस 0, प्राइम नंबर में 3 5 एंड 2 ही होता है। अब देखते हैं इसमें एक और चीज देखेंगे हम लोग कि यहां पे अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूं, किसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला P of B upon A, मतलब गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन ए इवेंट इज अकर्ड, व्हाट इज इवेंट नंबर। इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी में क्या आता है, नंबर ऑफ ए, यहां पे क्या होगा, एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, दो इवेंट है ए एंड बी, ए एंड बी दो इवेंट है। तो अभी क्या बोल रहे हैं हम लोग, ए इवेंट अकर हो चुका है, यहां पे ये सेट छोड़िए, एक और सेट बनाते हैं हम लोग अब फॉर्मूला देखते हैं। हमारा आंसर तो आ गया लेकिन ये इजी था इसलिए आ गया, क्या पता हमें बहुत कॉम्प्लेक्स आए और वहां पे सैंपल स्पेस बहुत बड़ा हो तो इस तरीके से कैलकुलेट ना कर पाए हम लोग ऐड करके। तो क्या करेंगे हम लोग उस केस में क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग पास फॉर्मूला क्या होगा कि आप देखो ए, अब हम लोग वेन डायग्राम से देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, यहां से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और यहां से नहीं होंगे तो आगे और देखेंगे। और एक बार रिवाइन करके प्लीज इसको देख लीजिएगा, जिसको जिसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस तो देखेंगे हम लोग वहां पे, लेकिन आगे एक बार ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। सो यहां पे अब हमारे पास, मैं मान लेता हूं एक, मेरे पास ए कोई इवेंट का सेट है एंड बी इज अनदर इवेंट। ओके, ये हमारा सैंपल स्पेस है। अब यहां यही क्वेश्चन है, ये सैंपल स्पेस हो गया, एक इवेंट ए है एक इवेंट बी है। सो यहां से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ए इज अकर्ड, तो हमारे पास ए अकर्ड हो गया, मतलब हमारे पास ये आ गया, ए हो गया हमारे पास, ए अकर्ड मतलब हमारे पास ए इवेंट हो गया है, तो हमारे पास ये आ गया, ये वाला रीजन आ गया ए के लिए। सो अब हमें क्या करना है, ये ही हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा, ये ए हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा फॉर नेक्स्ट, कोई भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे आफ्टर ए इज अकर्ड, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब हम लोगों को क्या, किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए ऑफ बी आफ्टर ए हैज अकर्ड, तो हमारे पास ये सैंपल स्पेस है। अब हम लोग जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो कौन सी प्रोबेबिलिटी है, वो हम लोग जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो ये वाली प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर में, क्यों, क्योंकि बी ए में इस सैंपल स्पेस में आपका ये सैंपल स्पेस आप भूल जाओ अब, क्योंकि ए इवेंट अकर हो गया, तो इस सैंपल स्पेस में आपकी ये कितना रीजन बी का आ रहा है, यही रीजन है बी का, तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बस चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी एन ऑफ, ये कौन सा रीजन है, ए इंटरसेक्शन बी, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पे ए इंटरसेक्शन बी में होंगे वो हो गएंगे, और अपॉन टोटल क्या सैंपल स्पेस है, अभी हमारे पास ए इज द टोटल सैंपल स्पेस, तो ए क्या है हमारे पास, टोटल सैंपल स्पेस, इस एस से हमने एक ये ए सैंपल स्पेस निकाल लिया, तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सैंपल स्पेस ए। यहां से ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम है और ये हमारे पास अब हो जाएगा सैंपल स्पेस का आउटकम, क्योंकि कि हमारा ए इवेंट हैज बीन अकर्ड। यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मूला आ गया हमारे पास, पी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ए इवेंट में जो भी जितने भी उसका नंबर होगा एलिमेंट्स का, जैसे ये नंबर्स ये ना सिक्स नंबर्स है,
यहां पे कितने थे, थ्री थे, वन टू थ्री, वैसे ही सिमिलरली एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, वन टू थ्री, थ्री होगा एन ऑफ ए, और ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा आप बताइए, यहां से ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ए और बी में आपका कॉमन कौन कौन सा दिख रहा है, ये टू कॉमन दिख रहा है आपको, तो क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी इज वन, यहां से आ जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी वन, और एन ऑफ ए कितना आया था ये थ्री, तो यहां से आंसर आ जाएगा वन अपॉन थ्री, यहां से भी आ गया, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। लेकिन हमें इससे हमें ये भी ये फॉर्मूला नहीं, हमें और आगे एक और फॉर्मूला चाहिए जो जिसका हमें यूज करना है। तो वो फॉर्मूला कैसे आएगा, अगर मैं इसको इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूं सैंपल स्पेस से, जो हमारा ओरिजिनल सैंपल स्पेस था, ये अगर मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, मैथमेटिकली को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों जगह से डिवाइड कर दो तो यहां पे क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस अपॉन, ये क्या है सैंपल स्पेस, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ये हमारे पास क्या आ गया, दोनों साइड में सैंपल स्पेस के नंबर से हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो क्या आएगा, यहां से जो फॉर्मूला आएगा यहां पे लिख रहा हूं मैं, ये क्या होगा, ये सिर्फ क्या होगा, ये क्या है, ये यही है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होता है प्रोबेबिलिटी, और किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उस इवेंट का नंबर कितनी बार कितनी टाइम्स वो अकर कर रहा है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो सैंपल स्पेस के आउटकम्स को हमने डिवाइड कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी आएगी इस सैंपल स्पेस के करस्पॉन्डिंग, किस सैंपल स्पेस के, इस सैंपल स्पेस के, मतलब ये वाला, ये वाली प्रोबेबिलिटीज होगी ये वाली, क्योंकि अभी हमने यहां पे सैंपल स्पेस से डिवाइड किया है, तो यहां पे क्या हो गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब नीचे ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, यही तो है, अगर मेरे को यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना होता तो मैं क्या करता, यही तो करता, पी ऑफ ए निकालना होता अगर मुझे, तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, वो कितना होता, एन ऑफ ए इज थ्री, एन ऑफ एस इज सिक्स, तो हमारे पास आंसर वन बाय टू, तो यही तो है, तो ये कितना होगा, ये क्या हो जाएगा आपका पी ऑफ ए। तो यहां से हमारे पास पी ऑफ बी बाय ए का फॉर्मूला क्या आ गया, पी ऑफ बी बाय ए का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये आएगा, और ये हमारा इंपॉर्टेंट है, आप ये भी यूज कर सकते हो या ये भी यूज कर सकते हो और ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो बाय चेंजिंग द सैंपल स्पेस। ये क्या है, ये विजुअलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, इससे आपको समझ में आ रहा है कि कहां पे क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसके वजह से ये ऐसा फॉर्मूला बन रहा है और हमारा ऐसा आंसर आ रहा है। नहीं तो हमारे पास क्या है, इसमें आंसर क्या आया था इसके लिए कि गेटिंग अ प्राइम नंबर आफ्टर वी गॉट इवन नंबर ऑन द डाइस, उसके लिए आंसर क्या आया था हमारे पास, वन बाय थ्री आया था। लेकिन आप डायरेक्ट अगर आप ये निकालोगे गेटिंग अ प्राइम नंबर के लिए तो वो क्या आएगा आपका, मतलब अगर मैं पी ऑफ बी निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा, वो क्या है सैंपल स्पेस के लिए है, इसमें सैंपल स्पेस ही होगा, हम लोग ये लिखते हैं ना पी ऑफ बी, इसमें हमेशा डिवाइडेड बाय एस ही होता है, ये और ये सेम ही है, अगर आप डिवाइड बाय एस लिखोगे तो उसका मतलब सेम ही होता है, क्योंकि अब यहां पे हम लोग सैंपल स्पेस को ही लेते हैं अगर सिर्फ बी लिखा हुआ है तो इसका क्या आएगा, थ्री अपॉन सिक्स ही आता, क्योंकि थ्री फेवरेबल थे और सिक्स टोटल थे, तो यहां से वन बाय टू आ रहा था। लेकिन इसी में ही अगर ए पहले अकर हो गया उसके बाद हम लोग बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रही है तो हमारे पास वन अपॉन थ्री आ रहा था, तो ऐसा क्यों आ रहा था वो हमें यहां से समझ में आया है, यहां से समझ में आया और ये सेट से कि ये सैंपल स्पेस चेंज हो गया था। लेकिन आपको जब कैलकुलेट करना है, आपको तो आंसर से मतलब है, आपको जब कैलकुलेट करना है तो आपको इतना ना करना पड़े कि सैंपल स्पेस चेंज करना पड़े, उसके बाद ये प्रोबेबिलिटीज इंडिविजुअली लिखनी पड़े सबकी, और यहां पे टू थ्री फाइव था तो यहां पे तो वन ऐड करने में क्या जीरो जीरो ही था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कहीं पे आपको जीरो जीरो यहां पे ऐड नहीं करना पड़े, वन अपॉन थ्री यहां पे वन अपॉन थ्री, क्या पता कुछ और नंबर आ जाए उनको ऐड करना पड़े आपको, तो उस केसेस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट है, या ये फॉर्मूला हम लोग यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि कैसे, अगर इस फॉर्मूला पे आप वैल्यू पुट करिए, कैसे
पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? पी ऑफ इन ऐसे ही जैसा हम लोग पहले करते थे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का सैंपल स्पेस क्या होगा, इस इवेंट का सेट क्या होगा, क्या होगा, ए दैट इज ए एंड दैट इज बी, टू एंड टू ही कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टू, इसके सेट में टू आ जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ए बी की, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की 1/6, टू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास, 1/6 है टू आने की प्रोबेबिलिटी, इसमें इस सैंपल स्पेस के करेस्पॉन्डिंग, तो यहां पर बस 1/6 और अपॉन में पी ऑफ ए, ए में क्या क्या है, ए 2, 4, 6, 2, 4, 6, तो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, सॉरी क्या होगी, 2, 4, 6, तीन नंबर है 3/6, तो 3/6 क्या होगा, या फिर 2, 4, 6, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितना होगा, 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये कितना हो गया, ये कितने हो गए, ये भी वैल्यू आपकी 1/3 दे रही है, तो यहां से भी हमारे पास 1/3 है, हमें कोशिश करना कि ये फॉर्मूला ही आपको याद रहे, ये अगर इतना कुछ नहीं भी समझ में आया ना तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको, ओके, एक बार और एक बार इसको पूरा कंप्लीटली डिवाइन करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप ये फॉर्मूला आप याद करके चलो नोट्स में लिख लो, और आगे हम जाएंगे तो धीरे से धीरे 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 जब क्वेश्चन देखेंगे तो वहां ये हम फिर से अप्लाई करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन सामने होगा, मैंने कोशिश किया मुझे कि पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश मैंने की थी, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको अभी समझ में आया है या नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बस इसको नोट कर लो और इस फॉर्मूले को, और आगे हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तब आपको समझ में और आसान और थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ओके।